That's great. Girls, I'm sorry. मुझे निकलना पड़ेगा, 6 बज गए यार. No. यार मम्मी जी को टेम्पल लेके जाना है ना. Oh. Yeah. You girls. Okay. Bye. हाँ मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा कब आ रही है कानपुर से? 5 दिनों में. 5 दिन? एक काम करेंगे, ये सारा गॉसिप उनको ईमेल कर देंगे. और हाँ, कल भी ठीक 5 बजे मिलेंगे शाम. ओके बाय. थैंक यू. थैंक यू. वुमेन हु लव टू गॉसिप. There will never be any end to that. Yeah, and they've gone electronic now. And they've gone electronic. Well, we'll move on to is hafte ka top 5. Top 5? Why top 5? Not top 10. Normally they're top 10s. Wo baat kya hai ki recession chal raha hai is waqt. So top 10 hua karta tha. But because of recession, humne top 5. देखो जब मैं यहाँ पर हूँ, तुमने मेरा घर देखा भाई. हाँ, of course. तो फिक्र मत करो, बाकी 5 मैं दे दूंगा. मेक इट टॉप 10. कम ऑन, गो फॉर इट. टॉप 10? या. ओके, लेट्स गो. दिस वीक्स टॉप 10. ओए टॉप 10. लोग अक्सर रोमांटिक डेट पे ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि उसके बाद एज अ बॉयफ्रेंड आपका करियर ही खत्म हो जाए. और इसलिए आज के टॉप 10 में हम आपको बताएंगे डेटिंग पे लड़कों को क्या नहीं करना चाहिए. यस, वी शाहरुख एंड माई सेल्फ हैव विथ अस द टॉप 10 डेटिंग मिस्टेक्स. सो नंबर 10, वेट्रेसेस को देख कर कहना, यार ये इतनी हॉट लड़कियां कहां से लाते हैं. ओके, नंबर 9, लड़की से कहना कि आप आज 2 बार नहा के आए हैं. It doesn't speak well for hygiene. Number 8, ladki se puchna ki wo kitni baar naha ke aayi. And number 7, ki ladki ka haath pakad ke kehna ki tum candlelight mein bahut sundar dikhti ho. Umeed hai din ki roshni mein bhi tum aise hi dikhti hogi. That's never gonna get you anywhere. Meri torch ki roshni mein. Meri torch ki roshni. Number 6, अपना कूल साइड दिखाने के लिए वेटर को राजेश खन्ना या देवानंद के स्टाइल में लहरा कर बुलाना, वेटर. ओके, खाने के बाद मीठे में रसगुल्ला ऑर्डर करना और उसे निचोड़ के खाना. नंबर 4, बिल पे करने के लिए 2 नोट अपनी ऊपर वाली पॉकेट से, 3 अपने पैंट से, थोड़े से के बैक पॉकेट से और टिप अपने सॉक्स से निकालना. ओके, नंबर 3, लड़की को घर ड्रॉप करते हुए कहना, ये मेरी इस हफ्ते की सबसे अच्छी डेट थी. नंबर 2, जब बिल आए तो कहना, मुझे विश्वास नहीं होता ये सब सच में हो रहा है, पूरे 2,000 रुपए लग गए. एंड द नंबर 1 मिस्टेक जो लड़कों को अपनी डेट्स पे नहीं करनी चाहिए, अपनी डेट से पूछना, तुम घर का काम तो ठीक ठाक कर लेती हो ना. But I'll bye. See, हमने मेरा एक बड़ा चीप दोस्त था, लंदन में एक बार मिला. तो वो लड़कियों को बहुत जल्दी इंप्रेस कर लेता था. I'm very bad with girls. मैं मूवीज में ठीक ठाक कर लेता हूँ, लेकिन मैं रियल लाइफ में I'm very shy of women. तो मैं उसे हमेशा इंप्रेस रहता था कि वो लड़कियों से कैसी बात करता है. सो आई रिमेंबर वंस एक लड़की को हम जूते की दुकान पर गए तो जूता खरीद रहे थे. तो उस लड़की को उसने, यू नो, ही सेज, सो वुड यू लाइक टू कम आउट इन द इवनिंग विद मी? सो द गर्ल सेड नो. सो आई केप्ट ऑन वांटिंग टू लिसन कि वो कैसा करेगा. ही सेज, यू नो, वी कैन गो, आई नो अ गुड प्लेस, वी कैन हैव डिनर एंड ऑल. सेड नो. ही सेज, व्हाई? शी सेड, आई एम बिजी. सो ही सेड, बट आफ्टर योर वर्क गेट्स ओवर, आई टेक यू देन. शी सेड, आई एम गोइंग होम एंड टेकिंग अ बाथ. सो ही जस्ट लुक्ड एट हर एंड ये मेरी लाइन वर्ल्ड की सबसे फेवरेट लाइन है. सो ही सेड, देन कैन आई बी द वाटर इन योर बाथटब? I thought this was really cheesy and cheap. And from the same man, he looked at the girl's backside, touched her bum and said, is this seat taken? So these are the 2 ones that you should never try at all. Never. Main kafi cheap hoon. Main kafi cheap hoon. Isliye mere ko koi ladkiyan milti nahi. There's one bada cheap wala ki, you're sitting next to a girl and you look at her and say, you know, I forgot my telephone number. Can I have yours? The one that I've heard, which is like, you go up to a girl and you say that, बात क्या है कि दूर से आप
आप पर मैं स्टेयर कर रहा था तो मेरी आंखें थोड़े दर्द हो रही है. डू यू माइंड इफ आई सिट राइट नेक्स्ट टू यू? इट्स नॉट गुड फॉर माय आईज. एंड आई वांटेड टू यूज वन इन माय फिल्म. हम दोनों को काफी सारे मालूम है. दिस वन आई व्हिच इज रियली स्वीट आई थिंक. दिस गाय वॉक्स इनटू द डोर एंड सेज डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट और शुड आई वॉक इनटू द डोर अगेन. आई थिंक दैट्स वेरी स्वीट. दैट्स वेरी स्वीट. ओके और वाले चीप अगर आपको चाहिए तो यू कैन सेंड मी ईमेल. नन ऑफ दीस वर्क्ड ऑन गौरी. नन ऑफ देम हैव एवर वर्क्ड फॉर एनी गर्ल दैट आई ट्राइड ऑन. ऋतिक हमारे साथ हमारे शो पर भी वर्क ऑन ऋतिक या ही केम आउट फॉर डेट विद मी. ऋतिक हमारे शो पर आए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि हमने उन्हें पूछा सुजैन के बारे में. एंड यू नो लाइक व्हेन दे मेट एंड ही सेड ही मेट सुजैन ही फर्स्ट सॉ सुजैन व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड. और उन्होंने कहा था कि यही है वो लड़की जिसे मैं शादी करूंगा. तो या तो मतलब ये बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है या ऋतिक झूठ बहुत अच्छा बोलते. बट व्हेन डिड यू व्हाट वाज योर आई मीन यू ऑल हैव बीन चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स. आई सॉ गौरी व्हेन आई वाज 18. I was 18. I started late, unlike Hrithik Roshan, who started very early. 12 साल की उम्र में तो ये नहीं मालूम होता कि बाथरूम कहाँ होता है यार. So, मैंने 18 साल की उम्र में उनको देखा था और मैं बड़ा लड़कियों से शर्माता हूँ. अभी भी शर्माता हूँ, तब भी शर्माता था. And she was dancing in front of me with someone and I asked my friend to ask her, would she dance with a friend of his? Simple सा सवाल. और तो मेरे तो क्योंकि मुझसे हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने के लिए. हाँ कोई भी नहीं मेरे मुझसे हुआ नहीं कि कैन आई गो. उस जमाने में ऐसा होता था लड़कियां उस तरफ बैठती थी पार्टी में, लड़के यहाँ बैठते थे. मतलब हिम्मत लेती फॉर द फर्स्ट वन के लिए. तो मेरी कभी फर्स्ट वाली हिम्मत ही नहीं हुई. तो यू टू गो डाउन एंड से मे आई हैव द नेक्स्ट डांस विद यू. बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता था लड़की कहेगी नो एंड यू मे नॉट ऑल्सो हैव द लास्ट वन और एनी डांस विद मी गो टू हेल. तो मेरा दोस्त अशोक वासन, मैंने उसको बोला, वो चीप था, वो डायरेक्ट था ऐसे लड़कियों के सामने. तो उसको मैंने बोला अशोक प्लीज जा और उससे पूछ कि मैं एक लड़के का दोस्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त के साथ डांस करें. तो गौरी ने उसको ना कहा नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट कर रही हूँ. तो फिर मेरा दिल टूट गया कि इसका तो बॉयफ्रेंड है तो अपना कोई चांस ही नहीं है. देन आई रियलाइज कि द पर्सन शी सेड वॉज अ बॉयफ्रेंड वॉज एक्चुअली अ ब्रदर. शी जस्ट सेड इट सो दैट नोबडी कम्स एंड आस्क्स फॉर अ डांस. हाँ ट्रबल ना करें. तो फिर मैंने उसको फोन करके कहा मुझे भी अपना भाई समझो. बस मेरा ये कहने की देर थी और उसने कहा यस आई विल मैरी यू. सो वी हैड दिस ब्रदरली सिस्टर रिलेशनशिप एंड दैट्स हाउ आई मैरिड. सो शाहरुख अनफॉर्चुनेटली वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो नाउ. नो मुझे यही रहने दो, मैं यही अपनी जिंदगी बसर करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी ऑलवेज हेयर. मैं इसी रेड काउच पे सो जाऊँ, यहीं बड़ा हो जाऊँ, यहीं सारे सीन्स करूँ, डॉन टू बी सी के ऊपर शूट करूँ. शाहरुख तो अपनी बाकी की लाइफ इस काउच पर बिताना चाहते हैं पर ये मुझसे नहीं होगा इसलिए मैं घर जा रहा हूँ. नाउ यू सी शाहरुख बनना हर किसी की बस की बात नहीं है. बट 7 दिनों बाद मैं लौटूंगा और शाहरुख को यहीं पाऊंगा इन भाग 2 ऑफ द OH फ्राइडे स्पेशल विद शाहरुख खान. ये तालियां मेरे जाने की खुशी में है या शाहरुख के यहाँ रहने की? ये अपने जोक्स और आइडियाज आप मुझे भेजिए वाया SMS या SMS अंकल ऑन 56388 या फिर वाया इंटरनेट थ्रू www.ohfriday.tv. फर्स्ट प्राइज इनाम 10,000. तो इस फ्राइडे से अगले फ्राइडे तक दिस इज फरहान अख्तर सिंह होपफुली विद द सपोर्ट ऑफ शाहरुख खान. शाहरुख खान अभी बाकी है दोस्त. ओए. We'll be right back.